नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा जनपद के हसनपुर में सोमवार को नगर की सेंट जॉन्स चर्च में क्रिसमस पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हुए प्रार्थना की और बच्चों ने सांता क्लॉज बनकर उपहार बांटे। वहीं इस संबंध में सुशील मसीह ने बताया कि करीब 2023 साल पहले प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तथा उन्होंने जीवन जीने का उद्देश्य सिखाया। वहीं मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया। प्रभु ने पूरी दुनिया का उद्धार किया और आज हम क्रिसमस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पता चले कि कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांता क्लॉज, मरियम, मदर मैरी आदि के रूपों में अपनी प्रस्तुति दी, जिन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इनके बारे में बिग लाइट से हम लोग जितना भी मसीह समाज है इसकी पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की हर्ष उल्लास के साथ उनकी खुशियां मना रहे और मिड नाइट में तरह तरह के लोगों ने एक दूसरे से मिलकर केक काट कर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया और आतिशबाजी पटाखे थे और ये मार यीशु मसीह की खुशी में जो प्रभु यीशु मसीह 2023 वर्ष पहले इस दुनिया के पृथ्वी पर आए, जब दुनिया के अंदर अत्याचार और बुराइयाँ उत्पन्न हो गई थी, उस बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उस जन्म लेकर और अच्छाई और सत्य के मार्ग को बताया पूरी दुनिया को, ताकि पूरी दुनिया उस अच्छाई पर चलकर और अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ सके। सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मैंने क्रिसमस। अमरोहा के हसनपुर में सोमवार को नगर में ब्राह्मण समाज द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हवन में आहुति देकर उन्हें नमन किया गया और देश व समाज की तरक्की के लिए प्रार्थना की गई। बताते चले कि अमरोहा के हसनपुर नगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हसनपुर द्वारा नगर की श्री परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला में एक विशाल हवन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने आहुति डाली और देश व समाज की तरक्की के लिए प्रार्थना की। हवन के उपरांत प्रसाद का भी वितरण किया गया। आज भारत रत्न हमारे मदन मोहन मालवीय जी की जयंती एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बड़े धूमधाम से ब्राह्मण धर्मशाला के सत्संग भवन में मनाई गई, जिसमें हम सभी ब्राह्मण बंधुओं ने एकजुट होकर हवन का आयोजन किया और सभी ने विश्व की शांति के लिए आहुतियाँ दी। और मैं तो सभी से ये चाहता हूँ कि हमारा देश जो है विश्व पटल पर चमके, और क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है सभी को सभी के लिए संदेश देता है कि सब लोग भाईचारे से रहें, सब लोग एकता से रहें, और हम सब लोग सिर्फ यही दुआ करते हैं कि ईश्वर हमारे देश को, हमारे विश्व पटल पर हमारा देश ऐसे चमकता रहे और राम जन्म के लिए आज जो मंदिर के लिए जो हमारे में जो इतना बड़ा काम हुआ उसके लिए भी मैं सभी को बधाई देता हूँ कि तैयार हो रहा है। और 22 जनवरी को जो प्रोग्राम होगा उसमें सभी अपने घर पर अच्छे तरीके से कम अपने घर को दिवाली की तरह मना लें और हर घर में दीपक जलाएं, सब लोग दीपक जलाएं। ये 22 जनवरी ऐसा लगेगा कि हमने दीपावली मनाई है, दीपावली की तरह ही है, पटाखे छोड़ें, खूब आराम है और हम अयोध्या में ही दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम के, वैसे ही सोच के हम यहाँ करें। अमरोहा के हसनपुर नगर के बैंकेट हॉल में उजाला फाउंडेशन द्वारा ग्राम प्रधान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई। दरअसल अमरोहा के हसनपुर नगर के कमाल पैलेस स्थित उजाला फाउंडेशन संस्थापक मोहम्मद वसीम सैफी निवासी दिल्ली ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें ग्राम प्रधानों समेत नगर के सभासदों आदि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं मोहम्मद वसीम सैफी ने बताया कि हमारा मकसद समाज सेवा कर लोगों को सम्मान देना है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करना है। इस दौरान ग्राम प्रधान जीहल, हाजी फरमान अली, मीनू चौहान, रामपाल सिंह, हेमराज सिंह, करणपाल सिंह, अलीमुद्दीन सभासद, शाहनवाज अंसारी, नौशाद, हमजा अली, भारी संख्या में ग्राम प्रधान व सभासदगण मौजूद रहे। वक्त हो चला है आप सभी विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।